नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रशांत स्टडी ऑनलाइन में। तो देखिए, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जो कि चाहे आप SSC के एग्ज़ाम्स दे रहे हो या वन डे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC के एग्ज़ाम दे रहे हो या बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो NTPC के एग्ज़ाम देने वाले हो आप लोग, रेलवे के एग्ज़ाम्स के अंतर्गत ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स भी आप लोग देने वाले हो, तो ये सभी वन डे एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप क्या करते हो, जैसे कि मान के चलिए 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 10 विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए, तो कितने विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप डायग्राम बनाते हो। डायग्राम बनाने के बाद कंपेरिजन करते हो। कंपेरिजन करने के बाद क्या करते हो, यानी कि कंपेरिजन करने के बाद क्या करते हो, आप घटाते हो, है ना। तो ये सब काम आप करते हो, इसके बाद जो है इसका क्या होता है, आंसर आता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बस 2 सेकंड अगर आप इस वीडियो पर रुक गए तो आप जानेंगे कि किस प्रकार हम इसको इजीली और शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए, तो एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 70% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में है ना, और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि ये दोनों उत्तीर्ण हैं। अब बाकी 10% दोनों विषय में क्या हैं, फेल हैं, यानी कि अनुत्तीर्ण हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, या तो आप ऐसे लिखिए, मान के चलिए कि पहला जो आपका पहला सब्जेक्ट है उसमें क्या है, उत्तीर्ण है, दूसरा सब्जेक्ट जो है आपका यानी कि हिंदी है उसमें भी उत्तीर्ण है, और जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है उसमें क्या है, अनुत्तीर्ण है, है ना। पहला सब्जेक्ट में उत्तीर्ण है, दूसरे में उत्तीर्ण है, तीसरे में क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो कुछ नहीं करना है, जितना भी परसेंटेज आपको दिया हुआ है, चाहे वो उत्तीर्णता का परसेंटेज हो, चाहे वो अनुत्तीर्णता का परसेंटेज हो, सबको जोड़ देना है आपको आराम से। सबको ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 70 दूसरे सब्जेक्ट का कितना है, 60%, और तीसरे में जो कि अनुत्तीर्ण हुआ है उसका कितना है, 10%। और इसमें मात्र आपको क्या करना है, 100 माइनस कर देना है। इस 100 को माइनस करने के बाद देखिए क्या होता है हमारे पास, 713 यानी 130, 10 140, अब माइनस कितना, 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 40%। ये जो 40% निकलेगा ये क्या निकल जाएगा हमारा, जो कि दोनों विषयों में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, जो कि दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो ये एक ट्रिक है जिसकी सहायता से जो है हम इस क्वेश्चन को इजीली कर पाते हैं। और इस टाइप के ये ट्रिक सिर्फ इसमें, इस क्वेश्चन के लिए ही अप्लाई नहीं होगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग एक क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, उसका जवाब आपको ही देना है। तो क्वेश्चन को करते हैं चेंज। तो दोस्तों, क्वेश्चन को कर लिया है हमने चेंज। अब देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप देने की कोशिश कीजिए पिछले मेथड से। आपको क्या करना है, तीनों को जोड़ के 100 घटाना है, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से वही मेथड अपनाएंगे हम। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या होता है, और यानी कि फेल हो जाता है, और 35% विद्यार्थी गणित में भी फेल हो जाता है। तो पास के लिए क्या लिखेंगे, जैसे कि पहला है हमारा, पहला क्या है, फेल है, दूसरा क्या है, दूसरा भी फेल है, यानी कि 30% विद्यार्थी भी फेल है और 35% विद्यार्थी गणित में क्या है, फेल है। उसके बाद जो 60% विद्यार्थी है दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण का मतलब हो जाएगा पास, और अनुत्तीर्ण का मतलब हो जाएगा फेल। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी, 60% विद्यार्थी किसमें, दोनों विषय में, यानी कि तीसरा जो सब्जेक्ट हमारा है दोनों विषय वाला उसमें क्या है, ये उत्तीर्ण हुआ है। तो इसमें क्या करना है, आपको ईजी तरीके से बनाना है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो भी पास हो चाहे या फेल हो, है ना, पास हो चाहे उत्तीर्णता का परसेंटेज हो, चाहे वो उत्तीर्णता का परसेंटेज हो, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, उसमें 100 को माइनस कर देना है। तो 30 प्लस क्या हो जाएगा, 35, उसके बाद इसमें क्या करना है, प्लस 60, यानी कि दो अनुत्तीर्णता और एक उत्तीर्णता, दोनों का क्या किया, यानी कि दो फेल वाला और एक पास वाला, सबको जोड़ दिए, और इसमें क्या करेंगे, 100 को कर देंगे माइनस। 100 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ते हैं सबसे पहले, 30 30 60 60 120 और 5, यानी कि 125 घटा हो जाएगा 100, यानी कि 125 में 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25%। ये 25% विद्यार्थी क्या हो जाएगा, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, यानी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण का मतलब दोनों विषय में क्या हो गया, फेल हो गया, और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जहाँ पे काम इजीली हो रहा है तो वहाँ ज़रूरत नहीं है कि आप एक डायग्राम बनाएं, उसके बाद कंपेरिजन करें, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है उस तरह से करने की। इस तरह से भी जो है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चंस का जवाब आप इजीली दे सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा कभी ट्रिक्स की। ऐसे हम देखिए, बात यह है कि ट्रिक्स का अप्लाई हम वहीं करने की कोशिश करते हैं जहाँ की क्वेश्चंस थोड़े से टेढ़े हो, जहाँ पर कि क्वेश्चन में समय लगे। टेढ़ा तो कुछ नहीं होता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए टेढ़ा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, तो वैसे जगह पर क्या करता हूँ कि ट्रिक्स लाने की कोशिश करता हूँ, जिसकी सहायता से आप इजीली क्वेश्चन को कम समय में कर पाएँ। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सुझाव है तो आप हमें दें, ठीक है। यह सुझाव निश्चित तौर पर हमें मोटिवेट करती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।